Nokia 5 3GB variant. मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये प्रीमियम है, सुंदर है और सॉलिड ग्रिप भी मिलता है आपको। सिंगल स्पीकर लाउड इनफ है। डिस्प्ले 5.2 इंचेस का आईपीएस एलसीडी एचडी यानी 720p नेचुरल दिखता है, बट वीडियो में जो मैंने एक बात नोटिस की, वीडियो का जो डार्क हिस्सा है, डार्क पार्ट है, वो कुछ ज़्यादा ही डार्क लगता है रेडमी वाई में। दूसरी तरफ डिस्प्ले आपको ब्राइटर मिलता है और आप यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले का डिफरेंस देख सकते हैं। वैसे व्यूइंग एंगल्स आउटडोर विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। होम बटन के साथ मिलता है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर माउंटेड और रीसेंट एंड बैक बटन्स है, कैपेसिटिव एंड बैकलिट भी। प्योर स्टॉक एंड्रॉयड स्मूथ है। डे टू डे यूजेज मल्टीटास्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटेंसिव ग्राफिक्स वाले गेम्स लाइक एसफॉल्ट एक्सट्रीम और ऐसे दूसरे गेम्स आप खेल सकते हो। कहीं कहीं थोड़ा लैग्स आपको ज़रूर मिलेगा, बट इस स्पेक्स में आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। नोकिया 6 की तरह नोकिया 5 में ओवरहीटिंग इशू मैंने नोटिस नहीं की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ। वैसे आमतौर पे मेटल के बॉडी में हीटिंग इशू देखने को मिलती है। बैटरी इसमें मिलती है आपको 3000 mAh की और ये एक दिन के लिए काफ़ी है। वैसे मैक्सिमम आपको 4 से 4.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है, बट ये यूज़र टू यूज़र और आपके यूजेज के पैटर्न के हिसाब से डिफ़र कर सकता है। कॉल क्वालिटी या नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। नोकिया 5 में मिलता है आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड और इसके साथ मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी, लाइक पावर बटन को डबल टैप करने पर आप क्विकली कैमरा ओपन कर पाएंगे, फ़ोन पिकअप करते ही फ़ोन का म्यूट हो जाना और फ़ोन को फेस डाउन करते ही कॉल रिजेक्ट हो जाना। एट मेगापिक्सल सेंसर्स, 84 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ फ्रंट कैमरा डिसेंट है। डार्क सिचुएशन में भी आप सेल्फीज ले सकते हो क्योंकि इसमें मिलता है बिल्ट इन फ्लैश, बट याद रहे कि इसमें कोई सेल्फी टॉर्च नहीं है वाई वन की तरह। रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल सेंसर्स, अपर्चर f2.0 विथ डुअल टोन LED फ्लैश एंड PDAF से मिलता है आपको बेटर क्वालिटी के इमेजेस, स्पेशली आउटडोर लाइटिंग में भी इमेजेस आपको शार्प मिलेंगे विथ लॉट्स ऑफ डिटेल। इवन जूम करने पर भी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप इस इमेज में नीले आसमान में खूबसूरत बादलों का लुत्फ ले सकते हैं एंड क्रेडिट गोज टू myself। और यहाँ भी इमेज को जूम करने पे क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही। इवन मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव हैं।
आर्टिफिशियल लाइट में पिक्चर्स इतने इम्प्रेसिव नहीं दिखते, बट इट्स ओके गाइज। नोकिया 5 में कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स। सबसे पहले मैं प्रॉज बता देता हूँ, फिर कॉन्स, देन आप डिसाइड करना कि आपको ये डिवाइस परचेस करना है या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोकिया 5 में कौन सी बातें अच्छी है जिसकी वजह से आप ये डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम फील मिलता है आपको नोकिया 5 का, ब्रांडिंग भी। इसके अलावा डुअल नैनो सिम के साथ डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट, ओवरऑल डिसेंट कैमरा, प्योर स्टॉक एंड्रॉयड, ये है अच्छी बातें। अब कौन सी बातें ऐसी है जिसकी वजह से आपको ये डिवाइस सिंपली इग्नोर कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा दो और ऐसी चीज़ें हैं जो ना बहुत इम्प्रेसिव है, ना मैं इसको प्रॉज बोलता हूँ ना कॉन्स बोलता हूँ। एक है फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि बहुत क्विक नहीं है, और दूसरा है इसका एवरेज परफॉर्मेंस। गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, देखते रहिए iPhone Unboxed।